ये क्वेश्चन करिए, वाई बराबर रूट एक्स और वाई बराबर एक्स माइनस थ्री, यही है क्या? अब ये एरिया निकालना भाई, अच्छा अच्छा ये नहीं निकालना, सिर्फ इतना इतना निकालना है। तो ये तो पता चल गया कि 3,0 है। अब इन दोनों का कटिंग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, कितना आ रहा है कटिंग पॉइंट? रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस रूट एक्स माइनस थ्री, कुछ आ रहा है क्या कटिंग पॉइंट? एक्स, एक्स बराबर कितना? तो फिर तो वो रूट एक्स आया होगा क्या? इसको करने का तरीका ये है कि रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है, आप स्क्वायर कर दो, अब क्वाड्रेटिक बन गई तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये आएगा ठीक। एक्चुअली यहां बीच में प्लस माइनस होगा तो दूसरा कटिंग पॉइंट यहां वाला आ रहा है, वो काम का नहीं है। तो ये हुआ क्या, 7 प्लस रूट 13 अपॉन 2, मगर y भी तो पता करो, क्या पता y सुंदर आ रहा हो, यहां से भी y बदसूरत ही आएगा। तो ठीक है, नहीं तो यदि y सुंदर आ जाता ना तो मैं इधर से ले लेता इस क्वेश्चन को कि 0 से यहां तक और राइट माइनस लेफ्ट, मगर अब ठीक है जैसा है। तो 0 से 7 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये कितना माइनस 3 से यहां तक, कौन? या तो इतनी मेहनत करो या इस ट्रायंगल का एरिया यूं ही बता दो, ये जो वैल्यू है वो यूं ही बता दो, मगर उसमें तुम्हें हाइट ढूंढनी पड़ेगी तो फिर दुखदाई हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, याद रखने के लिए ऐसा मॉडिफाई कर दिया। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? उसमें अभी जो स्लॉट 1 था उसके नीचे जहां तक नाम लिखे हैं, मान लो यहां तक लिखे हैं, तो इसके नीचे ऐसे कट मार दो और नए पेज पर स्लॉट 2, आज की तारीख, क्लास 12 और टॉपिक एरिया अंडर कर्व। अरे छोड़ना भाई, तू आगे देख, स्लॉट 2 लिख देना 4:10 से 6 बजे तक, स्लॉट 1 में लिख दो 12:10 से 3:30, डन। ये क्वेश्चन दिया है भैया, तुमको यहां बैठना, फिर ये क्वेश्चन करो, अटेंडेंस पे साइन करके आगे बढ़ा दो। यस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1y, तो 1 × 1/3 लेटस रेक्टम, 1/3 आंसर। कितने लोग 1/3 पे खड़े हैं?
नहीं दिन दो बतिया लो दीदी, बतिया लो तुम। अगला करी क्या लिखेंगे ऊपर हेडिंग में? हाँ आई नो दैट। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, मगर टाइम किल होगा बस अभी। हल क्वेश्चन दिया भाई बोर्ड पे, बोलो साहब बोलो। 1/6 वाले हाथ उठाओ, 1/3 वाले हाथ उठाओ। भैया जरा सुनो, इसका फोटो ये होता है और उसका फोटो ये होता है, तो एरिया एक्चुअली डबल हो चुका है, उम्मीद से दुगना। तो लेटस रेक्टम उसकी 1 है, 6 डॉट m³। तो इसके लिए स्लोप 1, उसके लिए -1, मगर एरिया तो पॉजिटिव। मगर ये एक ही तरफ का एरिया है इस फार्मूले में, दूसरी तरफ का प्राप्त करने के लिए 1/3। डन टन 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 टारा x² / a² + y² / b² = 1। इलिप्स ए और बी, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर ए इंटू, यदि ए और बी दोनों ही आर होते तो एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से याद रखना, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है साहब, इधर भी आर इधर भी आर, x² + y² = r² x² / r² + y² / r² = 1। तो आर आर की जगह बैठा है ए बी, तो R इंटू आर की जगह ए और बी। लिखो साहब लिखो। अब एक बात बताओ, आपकी मम्मी की चूड़ी क्या, यस, घर के टेबल पे रखी है तो एरिया अलग कवर करेगी, और मैं मेरे ऑफिस के टेबल में आके रख दूंगा तो एरिया अलग कवर करेगी। दीदी हाँ में हाँ करित रही, ऐसा होगा ना दीदी, अलग अलग आएगा ना एरिया। मम्मी चूड़ी नहीं पहनती के अलग, क्या बोल रहे हो, अलग अलग थोड़ी आएगा, हाँ सेम आएगा। तो लिखिए स्टेटमेंट स्टार लगा के, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और फिर नीचे लिखना एरिया रिमेंस सेम। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का सरकना, फिर नीचे लिखना क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। एरिया रिमेंस सेम, ठीक ठीक। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, सभी लोग कोशिश कीजिए। ढेरा छे हेरा है आईने जैसा, लिखो साथ साथ में। अटेंडेंस पे साइन सभी के हो गए स्लॉट 2 में, तो दीदी बढ़ावा आ गया जीवन में। सही जगह पे साइन करना ऊपर हेडिंग देख के।
ऊपर हेडिंग तो देख लो दीदी, जहां कोरा है वहां कर देंगे क्या? हेडिंग है देखो उस पेज पर, पढ़ी से स्लॉट टू लिखा है करुणा भैया, वेरी गुड। कुछ और करो, फ्री मत बैठो। 1/3 तुम्हारा। हाँ सुनिए साहब, वाई स्क्वायर माइनस 2.1.y प्लस 1 और माइनस 1, यह पाइचन कोण y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? 4x प्लस 4 हो गया, सामने चला गया, तो ऐसा हो गया क्या? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट इज कॉल्ड लेटरस रेक्टम ऑफ 1। 4 पता चली, माइनस 4 हो जाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2.1.x प्लस 1 माइनस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहां y माइनस 1 है और यहां भी y माइनस 1 है, यह खुशी की बात है। इधर x प्लस 1 है और इधर भी x प्लस 1 है, यह इंपॉर्टेंट है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो अब की बार जो 4a आया है वो कितना आया है? हाँ यस सक्सेना, कितना आया है? आन कानों में एक एक आवाज छन छन के जाती है। तो दो पैराबोलाज हैं और इनके वर्टेक्स सेम जगह पर है, कहां? ये कब जीरो होगा? 1। ये कब जीरो होगा? माइनस 1। तो दरअसल माइनस 1,1 पर दो पैराबोला है और ये एरिया हमें बताना है। तो मान लो कि ओरिजिन सरक के यहीं आ गया, ओरिजिन के सरकने से क्या फर्क पड़ता? आंसर तो ये होना है कि 4a1 4a2 अपॉन क्या सीखा था, तो 1a4 1a1 अपॉन 3। अरे डन, कितने लोग 4/3 पे खड़े थे? अच्छे से हाथ उठाना। अरे ओ भैया, यहां जमीन में बैठा लेते अभी मैंने हल्की पालकी लगा के लोगों को जो बतिया रहे थे। तो तुम का बातें ना करो, मगर ऐसे कनेक्ट कैसे कर सकते हो यार? ये दोनों पैराबोला हैं और तुम इलिप्स बना रहे हो। आंसर आया? हाँ तो वो गलती से आ गया। कोई लेना देना नहीं यार, वो नोक बन रही है, तेरे को दिख नहीं रही? यहां नोक है, यदि ये मिटा दूं तो बातें न करें। सिक्स पाई कैसे आएगा भैया? क्या मांगा क्या है क्वेश्चन में? वो एलिप्स का एरिया समझना है। ऐसे लोग क्या नींद में सोते रहते हैं?
इनको मालूम नहीं है कि ये सुमित गर्ग के कमरे में से उठ के सुहाग के कमरे में पहुंच गए। वहां पर भी सेम चैप्टर चल रहा था, भैया वहीं से चले आ रहे हैं। ओ यश पांडे भाई करना क्या नहीं हो पाएगा, दो एरिया आएंगे, लिखा तो है। ओ हो नहीं लिखा, सॉरी। ये से क्वेश्चन में सेंटेंस बढ़ाना, आगे ये सेंटेंस बढ़ाओ। एक्चुअली इलिप्स और लाइन एक दूसरे को काटेंगे तो सिंपल सी बात है कि दो एरिया मिलेंगे, उसमें से कौन सा, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है वो। सुनो, इसमें से 9 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या प्लस, इसमें से क्या कॉमन निकाला, सही है देखना भाई। हेलो, प्लस 4 और माइनस 4, प्लस 1 और माइनस 1, ये पहचान कौन, सर उठा के जियो बोलो साहब। यानी कि ये जो इलिप्स है उसका सेंटर 2 और माइनस 1 है, देखना इधर 2 और माइनस 1, मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूं कि ये 0 हो जाए 2, मैं वाई की वैल्यू क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, इसलिए 2 कोमा माइनस 1 हुआ सेंटर। एक्स में 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर, तो 2 कदम इधर 2 कदम इधर, और इसमें हुए ये 3 कदम, ये है साब इलिप्स, ठीक। अब इसमें ये वाली लाइन जब कटिंग करेगी तो एक्स अपॉन 34/9 प्लस वाई अपॉन 17 इजिकल टू 1, देखना सही लिखा आएगा। तो 34/9 का मतलब कैलकुलेटर में दबाना, 34/9 नोतिया 27 और 7 तो 70, तो 7 3.7 यहां कहीं पर, अरे हाँ, और y बराबर 17, बहुत ऊपर होगा वो तो कुछ इसकी बात कर रहे हैं शायद, अरे हाँ हाँ समझ रहे हैं बात को। बस इसमें एक ही तनाव है, कटिंग पॉइंट ढूंढने का, ठीक। यानी कि हमें यह छोटा एरिया निकालना है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसको लिख लिया कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, बोर्ड पे देखना। यानी कि एक्स माइनस 2 को लिखा कैपिटल एक्स, तो एक्स बराबर हुआ कैपिटल एक्स प्लस 2, वाई प्लस 1 इजिकल टू कैपिटल वाई, तो स्मॉल वाई इजिकल टू कैपिटल वाई माइनस 1। अब ये जो ब्यूटीफुल इक्वेशन है उसमें 9 स्मॉल एक्स की जगह आ गया कैपिटल एक्स प्लस 2, और प्लस 2 और वाई की जगह आ गया कैपिटल वाई माइनस 1 बराबर 34, तो ये हो गया 9x प्लस 18 प्लस 2y माइनस 2 इजिकल टू 34, तो 9x प्लस 2y इजिकल टू बोलो 16, और 34 में से 16 गए, या ये उधर गया 36, 36 में से 18 गए 18, यानी कि कैपिटल एक्स अपॉन 2 और कैपिटल वाई अपॉन कितना, यानी कि अब मेरे नए एलिप्स बन चुके हैं और नया लाइन बन चुका है, देखिएगा बड़े गौर से।
ये बनाकर मैंने लगभग पता लगा लिया था कि मुझे ऊपर वाला एरिया चाहिए। देखना ध्यान से। अब कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस है, एक दो तीन, एक दो तीन, इधर पे दो, तो ये आपका इलिप्स है साहब। और एक्स पे दो का कट और वाई पे नौ, बहुत ऊपर होगा, मुझे ये एरिया चाहिए, तो आपको ये कटिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। फिर तुमने साथ साथ में सब कुछ लिख लिया, चेक्स वाली शर्ट वाले भैया तो क्या है कलम चला रहे थे। ये कटिंग पॉइंट ढूंढना मुसीबत हो जाएगा। करिए साहब जल्दी। अरे गोलू सुन, ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, ये लाइन है, ठीक, ये इलिप्स है, ये लाइन है, तो दो एरिया है इलिप्स और लाइन के बीच, उसमें से कौन सा? तो उन्होंने हिंट दी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है। ओए कलम चलाओ जल्दी करो थोड़ा। हाँ क्या गलत है उसमें भैया? गोलू सुन, मैंने इलिप्स की इक्वेशन x माइनस टू का होल स्क्वायर थी, मैंने उसकी जगह कैपिटल x लिख दिया, मैंने दुनिया खत्म कर दी स्मॉल x की। अब स्मॉल x बराबर वो लिखा है इलिप्स शब्द के नीचे, इलिप्स शब्द के नीचे लिखा है x माइनस टू बराबर कैपिटल x, y प्लस वन बराबर कैपिटल y, तो स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रख दी, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 34 में मैंने पुट कर दिया। अब मुझे कैपिटल X की दुनिया मिल चुकी है, तो अब ये और वो कैपिटल X अपॉन 4 ये दो ही है इक्वेशन, और कैपिटल X हमारा वेरिएबल है, स्मॉल X नहीं है। हाँ नए नोट हैं जब बस मार्केट में, आज फर्स्ट लेक्चर था क्या उनका? कौन सा लेक्चर चल रहा था? सेकंड एरिया अंडर कर्व, तो बैठना चाहिए ना, पता तो चले कौन क्या पढ़ा रहा। हाँ इसको लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिखो लिखो मैं कर रहा हूं, सुनो। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है वो सरल डिपार्टमेंट का है, इसमें बस हमको ये पता करना था कि वो जो दो बड़े बड़े एरिया है, एक बहुत बड़ा एक छोटा, इन दोनों में से कौन सा, सुनते तो जाओ। तो ये क्वेश्चन ने इतना बता दिया कि छोटा वाला यूज करना है। मेरा अगला क्वेश्चन वो रहेगा जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बीच में टांग डालेंगी, जो आप कहना चाह रहे हो। इनका सुनिए क्या कहना है, इनका ये कहना है कि इस फोटो में थोड़ा सा चेंज करो, ये सचमुच स्थिति ये है, ऐसी है इनका कहना है स्थिति। तो ये इनका कहना है कि बस ये रोक दो, यहां रोक दो, इसके नीचे का एरिया मत लो, इसका मतलब ये भी कहीं रुकेगा, समझ रहे हो आप बात को, ये एरिया आप नहीं ले पाओगे। मगर मैंने जो क्वेश्चन लिखा वो सरल कैटेगरी में था, वैसे आईआईटी में अपन डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे, मगर यहां मेरा उद्देश्य ये पहचानना सिखाना था कि हमको छोटा लेना है कि बड़ा लेना है। हाँ ठीक है ये बात ठीक है, मगर मेरा उद्देश्य यहां क्या बताना था कि ओरिजिन शिफ्ट होने से एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां मैं चाहता था कि छोटा एरिया और बड़ा एरिया की पहचान बताना। ठीक आगे बढ़ो।
वैसे आईआईटी में ये क्वेश्चन आ गया क्या? तो ये जो दोनों भैया कह रहे हैं उस हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा यदि आईआईटी में आ गया तो। डन 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 डन, आगे बढ़ो, अगला करो। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिखवा दूंगा, लिखिए। हिंदी में बोल रहे हैं कि परवलय y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन तथा उसकी स्पर्श रेखा जो 2.3 पर है एवं x अक्ष से बनने वाला क्षेत्रफल बताइए। इसको बड़े ध्यान से देखना, देखना ये कब जीरो होगा, 2 पर। ये कब जीरो होगा, 1 पर। 2 रखने पर ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस 1, 2 इधर आएगा तो 3 और 1। ये है साहब पैराबोला, 2 रखने पर 3 मिलेगा। यस, तो इसकी एक टेंजेंट बनेगी वो ये रही, ठीक, और एक्स एक्सिस ये एरिया चाहिए। तो सुनिए, इसका जो वर्टेक्स है उससे 2 कदम नीचे एक लाइन है, वो एरिया रोक रही है, ऐसा महसूस करो। ओ भाई साहब देखना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल x, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल y। एक्चुअली 2D आ गई उसमें है ये सब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वगैरह, और x माइनस 1 बराबर कैपिटल x, तो y बराबर कैपिटल y प्लस 2, स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस 1। अरे हां, अब याद करो, ओए बात मत कर, 2.1 इसके ओल्ड है, 2.1 है ओल्ड, और मैं चाहता हूं कि अब इसी का नाम पड़ जाए क्या, तो ओल्ड यदि 2.3 है तो न्यू क्या होंगे, हमेशा याद रखना न्यू बराबर ओल्ड माइनस शिफ्ट क्या, एक मिनट, 1.2 है ठीक है, तो न्यू बराबर क्या, और न्यू न्यू क्या है, 2 और 3, न्यू निकालना है, ओल्ड है 2 और 3, शिफ्ट क्या है, 1.2, तो ये कितना हो गया, ये x और ये क्या, तो 1 1। सुनो हुआ क्या, 1 में से 1 घटा क्या हुआ, 2 में से 1 घटा, 2 में से 2 घटा, 3 में से 2 घटा। एक्चुअली घटा क्या रहे हैं, 1.2 में से 1.2 गया, 2.3 में से 1.2 गया। अब गेम समझना, अब तुम्हारा क्वेश्चन इसकी जगह हो चुका है, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इस पॉइंट की जगह हो चुका है, आप अपने क्वेश्चन में मत काटा पीटी कर देना। तो अब तुम्हारा जो इसकी जगह कुछ और शब्द आएगा, अब सुनिए, ये कैपिटल x एक्सिस, ये कैपिटल y एक्सिस, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x मतलब 1 1 से जाएगा, और ये 2.3 पॉइंट क्या हो चुका है, 1 1। आपने यहां टेंजेंट खींची, और मैंने कहा था वर्टेक्स से 2 कदम नीचे, वर्टेक्स से 2 कदम नीचे ये एरिया चाहिए। तो
तो ये तो अपन 2D पढ़ रहे हैं, 11th क्लास, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अभी एरिया अंडर कर्व तो लगाया ही नहीं है। लिखिए साहब, आंसर नहीं लिखा है, तेरी कसम नहीं लिखा। क्यों दीदी, यहां इस क्वेश्चन में कहीं आंसर लिखा है क्या? अपन एक काम कर सकते, सुनिए, यह कटिंग पॉइंट बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है, वही करने जा रहे हो। हाँ नहीं पड़ेगी, माइनस टू है, समथिंग कॉमा, तो वहां वो जीरो माइनस टू, जीरो माइनस, हाँ तो ये यहां क्या हो जाएगा, कुछ कॉमा क्या, और ये वन। तो सुनिए आंसर, सुनना सुनना आंसर सुनना, माइनस टू से वन, राइट वाला, राइट वाला, राइट वाला, वाई स्क्वायर माइनस, इसकी इक्वेशन बस ढूंढनी पड़ेगी। तो इसकी इक्वेशंस ढूंढना मैं सिखाऊं तुम्हें, y स्क्वायर की जगह लिख लो y डॉट y1 इज इक्वल टू x प्लस x1 अपॉन 2। भाई साहब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, कितने लोगों को ये कंसेप्ट याद आ गया 11th क्लास का, ये देखो बाकियों के तोते उड़ गए। कर्व की इक्वेशन दी हो, सुनो, और टचिंग पॉइंट दिया हो, तो x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1, x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2, y की जगह y प्लस y1 अपॉन 2, ऐसा चेंजेस कर दो तो जो न्यू इक्वेशन मिलती है वो टेंजेंट होती है। तो ये हो गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, ये तुहार कौन, इधर देखना, तो x माइनस x dy। अब 11th के बगैर कैसे, तेरे बिना आवश्यकता ही नहीं है ना, नहीं है। यदि मैं वर्टिकल स्ट्रिप पे काम करता तो स्टार चाहिए, मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया, मिटा दूं क्या, मिटा दूं, उजैर भैया मिटा दूं, ये क्वेश्चन लिखो साथ में, ये नया क्वेश्चन करिए। हिंदी में कह रहे हैं कि ये सर्कल है और ये पैराबोला है, तो ये एरिया बताना है। अब इसमें छोटा बड़ा कौन सा, ये भी तो एरिया हो सकता था ये वाला, तो इसमें क्या हिंट दी गई। वैसे उस क्वेश्चन में मैंने जानकारी दी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के नजदीक वाला, ऐसा तुमसे उनसे कहना 6 बजे बोल दो, इधर आ मैडम, आ गई, पेरेंट्स आए हैं, उनकी बात तो करा दो मैडम से। मैं कर दूं क्या, वो दीपक नागर का स्टूडेंट बैठा है कि चला गया, हाँ हो ना भाई, तुम क्या नाम तुम्हारा, कुणाल दुबे। 2012 के बीच में एक लड़का था मॉडल स्कूल टीटी नगर का, वो फोन पे बात कराए कि लो पापा से बात कर लो, मेरे को जाना, और वो चला जाए, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट पढ़ता था, मुझसे छुट्टी लेके चला जाए, चला जाए, कईयों बार छुट्टी ले, कईयों बार फोन करके ये पापा से बात करवा दे कि लो पापा से बात करो, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। बड़ा ही डिसिप्लिन बच्चा, 11th हमसे पढ़ा, 11th की फीस उसके पापा वन टाइम एडवांस दे गए थे हमको, अब दिवाली ऑफर निकला तो 12th की फीस जमा करने आए, तो मैंने कहा भाई साहब आप हर कभी बच्चे की छुट्टी करवा देते हो, स्कूल में फंक्शन है तो छुट्टी, कुछ काम है तो जाना है,
एसी चलेगा तो बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी। तो वो अंकल ने मालूम मुझसे क्या बोला, कहते भाई साहब मैं अप्रैल महीने में 11वीं क्लास की फीस जमा करने आपके पास आया था, अभी नवंबर महीना चल रहा है, इस दरमियान ना तो मैं आपसे आके मिला ना मेरी आपसे फोन पे बात हुई। अब फिर मुझे अजीब सा स्टेटमेंट यूज करना पड़ा कि भाई साहब पता कर लो उसके एक और पापा। फिर तो क्या रिमांड हुआ उसका घर जाके। तो इसलिए मैं मतलब तब से संभल गया कि बच्चे कुछ भी बेईमानी कर सकते हैं। भाई अंकल को नहीं मालूम हो क्या पता, लिखो जल्दी, बात ना करें। ओए ये क्वेश्चन करो, बातें ना करो, बोर्ड पे देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू डॉट वाई इज इक्वल टू 11, प्लस वन यहां तो प्लस वन यहां, प्लस फोर यहां तो प्लस फोर यहां, तो ये हो गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, y प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी रेडियस हुई 4। बोर्ड पे देखते रहना, बातें नहीं करना। माइनस कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, तो प्लस वन किया और माइनस वन किया, ये पहचान कौन, तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू माइनस टू रूट टू, कहाँ थ्री, अच्छा वो थ्री है ठीक, y प्लस टू है, क्या है साहब, तो प्लस टू प्लस टू, y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री, तो कैपिटल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री। चेहरे साथ हटाओ, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो सुनिए, एक्स माइनस वन को ही मैंने कैपिटल एक्स लिखा है दोनों जगह, वाई प्लस टू को ही मैंने कैपिटल वाई लिखा है दोनों जगह। अब क्वेश्चन बदल चुका है, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये वर्टेक्स ओरिजिन है, हल्का सा ऊपर करना है 4 माइनस टू रूट थ्री। तो ध्यान से देखिएगा, रूट थ्री यानी कितना, 1.7, उसमें दो का मल्टीप्लाई कीजिए 3.4, चार में से 3.4 गया, तो ये रहा 0.6। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला, उसमें प्लस 0.6 कर दिया तो पैराबोला ऊपर उठ गया। समझ रहे हैं आप बात को, तो बस अब आपको ये कटिंग पॉइंट ढूंढना है, करिए जल्दी फटाफट। सुनिए देखना, अरे सुनो, x की जगह 2 रखा, अरे सुनो तो सही, तो x स्क्वायर की जगह क्या रखाएगा, और इधर देख ले, तो 4 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 16, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना, तो y बराबर कितना, चेहरे से हाथ हटाओ, इसमें भी तुमने रख दिया क्या, x की जगह 2, x स्क्वायर की जगह 4, तो 4 से 4 क्या हो गया, तो तुम्हें यहां भी y बराबर क्या मिला, यहां प्लस माइनस मिला, तो ये जो पॉइंट है ये माइनस टू रूट थ्री है, और ये जो पॉइंट है वो टू और माइनस टू है, तुम्हें ये एरिया बताना है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दो,
इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, बड़े ध्यान से देखते रहना, माइनस टू से टू ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स चल रहा है काम, तो वाई की टर्म्स में रखना पड़ेगा साहब, सॉरी वाई रखेंगे तो एक्स की टर्म्स में हो जाएगा। कहां है मेरा पैराबोला, ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री क्या, और उसमें से माइनस कर दीजिए अंडर रूट 16 माइनस क्या आंसर। तुम चाहो तो जीरो से टू करके डबल कर देना, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, साफ साफ दिखेगा, छापो मत भैया, ए भैया ना छापो ना। अरे भव्या दीदी क्या चाह कर रहे हो है दीदी, छपाई में लगी है, सब नोट छापने में लगे थे है? अपने यहाँ का स्टाफ है, अभी जो इधर आया था अंदर, वो आम आदमी पार्टी भोपाल का मेंबर है, तो उसके पास फोन आया अभी दोपहर में ही थोड़ी देर पहले, तो उधर से व्यक्ति बोला कि मैं आम आदमी पार्टी का ये मेंबर बोल रहा हूँ, अपन लोगों को इकट्ठा होना है ज्योति चौराहे पर और नोटबंदी का विरोध करना है। तो इधर से हमारा स्टाफ कहता है कि मगर मैं तो पक्ष में हूँ नोटबंदी के, तो उधर से वो व्यक्ति कहता है तुम मेंबर हो ना आम आदमी पार्टी के, तो वो कहता हाँ हूँ, तो कहता बस तो तुम्हें विरोध करना पड़ेगा, तो ये कहता कोई जबरदस्ती है क्या, मुझे वो कानून अच्छा लग रहा है मैं क्यों विरोध करूं, तो वो कहता नहीं तुम मेंबर हो तो करना पड़ेगा। उत्ते में मेरे स्टाफ ने सीरीज देख ली काई की 7000 की, जिससे फोन आया था, तो वो पूछता है क्यों ये जियो की सिम से फोन लगा रहे हो, तो वो कहता हाँ, तो कहता तुम्हारा सेठ अरविंद केजरीवाल कहता है कि जियो गलत है और उसी की सिम से तुम लोग फोन लगा रहे हो हमको। उधर से उस व्यक्ति ने लाइन काट दी चलिए मिटा दूं इसको, क्वेश्चन पार्ट मिटा दूं। इधर का भी कुछ मिट गया, लीजिए अगला क्वेश्चन। सोचने पर मिला, आप चाहो तो फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये चीज यहां पुट करना, तो आमने सामने कुछ कटेगा तो वाई बराबर तुम्हें मिल जाएगा। कटिंग पॉइंट कैसे मिला, ये सवाल था दीक्षित जी का, एक्स बराबर टू क्यों मिला। हाँ हाँ हाँ, दिमाग में ये आया कि ये जो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री है, तो मैंने कहा इस चार को मार दो x की जगह टू रख के, ऐसा दिल में सोचा अपन ने। भैया ये नया क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, क्या बात कर रहा भाई तू, क्या नाम तुम्हारा, रितांकर पाल, रितांकर पाल कौन है, तुम हो ना, हाँ तो क्यों बतिया रहे हो भाई उसके साथ। अरे नया क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका भाई, बहुत बढ़िया, मेरे पास आंसर नहीं लिखे होते भैया, कभी कभी होते हैं तो बता देता हूं। बात ना करें, सुनिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बोलो x का डिफरेंशिएशन 1, बगल में ln x चुपचाप, फिर x चुपचाप ln x का 1 अपॉन x, तो e
ln x प्लस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। x बराबर क्या, आप x की जगह 1 बाई ई रखोगे तो ln 1 बाई ई की वैल्यू कितनी, ln e की पावर माइनस वन, इसलिए माइनस वन। तो ये हमें मिनिमा देगा। तो ग्राफ बिना मैक्सिमा मिनिमा बिना, और इसका वेवी कर्व कैसे बनेगा, वन बाई ई से बड़ा रखिए पॉजिटिव, और यहां कैसा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ई अपनी जगह चुपचाप, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स, नीचे वाला चुपचाप माइनस, एल एन एक्स चुपचाप, इसका वन, तो वन माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बातें मत कर भैया, जीरो एट एक्स इजिकल टू कितना पे, और इसका वेवी कर्व क्या बनेगा, ब्लू, ई से बड़ा रखो। अब इसमें तुमको लिमिट लगानी पड़ेगी, एक्स टेंस टू जीरो पर क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू एल एन एक्स। तो मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें ये कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, ऊपर x की जगह जीरो रख रहे हो तो log जीरो इन्फिनिटी, चेहरे से हाथ हटाओ, नीचे जीरो रखा तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अरे लास्ट पे ताल लगाओ, ऐसा बोलो ना दीदी, पेन मत खाओ, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया ये, अब x की जगह आप जीरो रखोगे तो जीरो, एल हॉस्पिटल का यूज किया, सुनना बड़े गौर से, यानी कि ये फंक्शन वन रखने पर क्या देगा, जीरो, और वन अपॉन ई रखने पर क्या देगा, काहे का जीरो देगा, माइनस वन देगा, क्या देगा, यहां ऐसा गोला लगाएंगे क्योंकि हम जीरो रख नहीं सकते, ये ग्राफ नंबर वन, ये ग्राफ, ये रहा, इसमें आप जीरो यूं ही रख के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, जीरो रखने पर क्या, माइनस इंफिनिटी, लॉग हमें माइनस इंफिनिटी देता है, उसका लॉग का अकेले का ग्राफ आप देखोगे तो ऐसा रहता है, तो जीरो जैसा रखने पर माइनस इंफिनिटी, और ये तो इंफिनिटी है ही, मतलब जीरो, तो इन्फिनिटी अपॉन जीरो इन्फिनिटी, वन रखने पर जीरो, माइनस सॉरी वन बाई ई रखने पर, इसमें भी रखो, दोनों हमें क्या दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को, ई पर मैक्सिमा, ओए फोटो मत बना इधर देख, टू हमको ये एरिया मांगा है, मतलब हमें इतनी देर से हम सिर्फ ये पता करने में लगे हैं कि कटिंग पॉइंट क्या है। अब आंसर, वन बाई ई से वन तक इंटीग्रेशन करना है, ऊपर वाला ln x अपॉन e डॉट x माइनस नीचे वाला ex डॉट ln x, इसमें तो तुम ln x को t मान लेना तो 1 अपॉन x dt हो जाएगा, और इसमें बाई पार्ट लगा देना, जल्दी करो साहब, मालूम नहीं भैया,
हो सकता है वो पढ़ाते हो, मुझे नहीं मालूम। वो तो भैया मैंने खुद पढ़ के थोड़ी पढ़ाई है, मैंने खुद इन्वेंट करी है, एक बार बताया था आपको। मैंने तो अभी एक ही फॉर्म इन्वेंट करी है, न्यूटन लेबनीज। दो लोगों ने मिलकर खोज करी, मैंने अकेले न कर दी, बताओ दीदी। बड़े लंबे समय बाद आए अपन। क्यों दीदी? घर गए थे? अच्छा, दीपावली में? अच्छा, प्री बोर्ड करके आए, बिहार बोर्ड है ना, छठ पूजा भी करके आए होगे। बिहार में दीपावली से ज्यादा इंपॉर्टेंट छठ पूजा होती है ना? हाँ, क्या कह रहा हूं? चलो अगला क्वेश्चन। बात ना करें, ये क्वेश्चन कीजिए साहब। आपसे बोल रहे हैं कि सी की वैल्यू बताइए, यदि ये तीन वक्र से घेरा गया क्षेत्रफल 9/4 है। मतलब अब की बार एरिया दिया है और कुछ पैरामीटर अपन को फाइंड करना है। अरे एक बात बताओ यार, ट्यूसडे के दिन स्कूल में क्या है? एग्जाम एग्जाम है क्या? परसों परसों प्रैक्टिकल, मतलब एग्जाम प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल करना सिखा रहे हैं? प्रैक्टिकल पीरियड रहेगा, वो सिखा रहे हैं कुछ सीखने समझ में आता? कौन सा सब्जेक्ट सिखाते हैं? फिजिक्स, उसमें वो हो गया लेंस का एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें इधर पर अपन निडिल रखते हैं और वो दूसरी तरफ चमकती हुई हवा में दिखती है उल्टी, यानी कि रियल इमेज, रियल एंड वर्टिकल पैरेलल एक्स। मीटर, मीटर के नाम से क्या होता है वो? मीटर ब्रिज नहीं, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें तार होता है। सारे कर लिए अच्छे से? तो मंगलवार के दिन ऐसा करो, स्कूल से हाफ छुट्टी करके निकल लेना, के ना पेट दुख रहा है क्या? कितने लोगों की स्कूल 12 बजे छूट जाती है, 1 बजे, 12:30 पे छूट जाती है, 1 बजे छूट जाती है? बहुत कम है। 1:30 पे छूट जाती है, 1:30 या 1:30 से पहले छूट जाती है, 1:30 या 1:30 से पहले छूट जाती है। तुम हाथ उठाओ ना घर। मैंने पूछा कितने बजे छूटती है, वो घर पहुंचने की बता रहा। हाथ उठाओ, 1:30 या 1:30 के पहले छूट जाती। और ब्रेक कितने बजे होता? हाँ तो बस ब्रेक में कहना भाई। हाँ, अरे स्कूल यूनिफॉर्म में आना। एनटीएससी की एग्जाम देने कुछ कोचिंग के बच्चे कोचिंग यूनिफॉर्म पहन के गए, टी शर्ट लगा के, आई प्राउड। सच में उनसे पूछो तो कोई प्राउड नहीं है। तो एनटीएससी की परीक्षा देने कोचिंग के कपड़े पहन के जा सकते हैं, तो मैं एक दिन कह रहा हूं कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के यहां आ जाना। उसमें क्या आप लोग बच्चे दिखाई देते हो स्कूल यूनिफॉर्म में? अरे यस, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो, तो 12:30 से लगभग 2:30 बजे तक एरिया अंडर कर्व का तीसरा लेक्चर रहेगा, इसका नाम लेक्चर 2 है भाई, ठीक? तीसरा लेक्चर रहेगा, है ना? और 2:30 बजे स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? बढ़िया आइडिया, बढ़िया ड्रापर लोग, है ना?
वन बाई फोर और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको मिटा दूं क्या? स्कूल की छुट्टी करो ना एक दिन भाई, बीमार पड़ते हैं तो छुट्टी होती है, पापा के नोट बदलवाने जाना है तो छुट्टी करते ही है। अब नहीं है नोट तो अब नहीं कर पाओगे ना छुट्टी, मगर होते तो करते ना। दो छुट्टी करवा दूं, गुरुवार को भी लगा लेंगे भाई, कह रहा है दो कर दो भाई। और आजकल राइट टाइम क्लास लग जाती है भैया। चलो इसमें चाय मेरी तरफ से, जो 12:30 से आ जाएगा उनको जलेबी फाफड़ा है, गुजराती डिश है, नाश्ते में वहां पोहा नहीं मिलता, जलेबी फाफड़ा मिलता, महाराष्ट्र में बड़ा पाव मिलता है। राजस्थान में कचौड़ी कढ़ी, यहां देखना भाई, सुनिएगा ध्यान से। x की जगह 2 रखा तो 1 मिला, x की जगह -2 रखा तो भी 1 मिला, और 1 रखा तो 4 मिला, सही है। x बराबर 1, x बराबर 1, सुनना सुनना, y बराबर c, शायद ये, तो ये एरिया की बात चल रही है साहब। तो ये कोऑर्डिनेट का नाम c, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या? तो इंटीग्रेशन C से लेकर 4 तक, इधर वाला सही लिखा है क्या? इधर वाला माइनस इधर वाला 1, और इधर क्या? यह एरिया हमें कितना दिया है? एरिया या लेंथ हमें कभी भी दी गई हो तो मेरा मानना है कि उसको प्लस माइनस ले लेना चाहिए, मगर अभी अपन नहीं लेते हैं, देखते हैं क्या होता। तो 1 अपॉन रूट स्टार का इंटीग्रेशन 2 रूट स्टार, अरे रूट स्टार का क्या, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट स्टार, तो रूट स्टार का क्या, 1 अपॉन रूट स्टार का क्या, 2 रूट स्टार, तो 2 रूट स्टार माइनस y, तो ये 4 रखा तो 2 2 2, c रखा तो 4 माइनस 16 माइनस 16 रूट सी प्लस 4 सी इज इक्वल टू 9, 4 सी माइनस 16 रूट सी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देखना सही लिखा है क्या। 7 चौक 28, 14 दूनी, तो 4 सी माइनस 14 रूट सी माइनस 2 रूट सी प्लस 7, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 रूट सी, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो माइनस 1 निकला तो क्या बचा, तो रूट सी बराबर 1/2, रूट सी बराबर 7/2, तो सी बराबर 1/4, सी बराबर 2। आंसर इसलिए आए कि
ये जब ऐसा था और ये ऐसा था, तो ये तो y एक्सिस है, ये कर्व है, ये x बराबर 1 है, तो शायद ये यहां बैठ सकता था, y बराबर c यहां बैठता तो ये एरिया भी आंसर हो सकता था। तो उस समय क्या होता, 1 इधर और कर्व पीछे, जबकि अपन ने क्या लिखा था, कर्व माइनस 1, तो ये घूम जाएगा तो सामने माइनस आएगा। तो मैंने जो आपको कहा था कि प्लस माइनस लेना चाहिए, वो नहीं लिया तो भी किस्मत से आंसर आया। सुनिए, जो लोग एरिया अंडर कर्व में न आ सके और उनकी स्कूल है और स्कूल नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी वो जल्द से जल्द आना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में वो बैठ सके, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट स्टार्ट होगा मान लो 2:30 के आसपास, तो 6 बजे तक पहला लेक्चर कहलाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा। और जिनका इसका थर्ड लेक्चर छूट गया उसका कोई गम नहीं है, 6 से 8 रुक के देख लेना, 6 से 8 यदि कहीं क्लास है तो अगले दिन देख लेना, क्योंकि लास्ट लेक्चर का कोई तनाव नहीं होता, मगर स्टार्टिंग मिल जानी चाहिए। तो 2-3 टिफिन लेके जाना सुबह रे स्कूल, और स्कूल यूनिफॉर्म में यहां आना, अरे हाँ ना, और यहां से भी कुछ बच्चे अगली कोचिंग जाएंगे शायद, उस दिन छुट्टी है क्या? तो तुम कह रहे हो नहीं जाएंगे, ट्यूसडे को कि है, ट्यूसडे को है, कितने बजे से कितने बजे तक है ट्यूसडे? और नायडू की एक ही में होती नो बढ़ाई हो, हाँ जी जी, अरे स्वागत है, आप तो लेट आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपन मैं खुद लेट लतीफ व्यक्ति, दूसरों को क्या, नहीं अब 2-3 दिन चलने तो दो रूटीन, फालतू नजर लग गई तो। हाँ क्या हो गया कुमार, कुमार सौरभ आप गोवा के कपड़े पहनकर आया, खड़े तो हो जाओ, लोग देखना चाह रहे हैं, अरे कुमार खड़े तो हो जाओ, कुमार खड़े तो हो जाओ, इधर आओ थोड़ा बाहर निकलो, गोवा के कपड़े हैं वो, चलिए थैंक यू। जो 12:30 से रहेगा उसको मेरी तरफ से चाय कॉफी रहेगी भाई।